नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। झारखंड में मामूली बात में पेट्रोल छिड़क कर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर के चित्त विश्राम गांव में पेट्रोल छिड़क कर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में दीपक सोनी 37 वर्ष नामक युवक बुरी तरह से झुलस गया। जख्मी दीपक सोनी ने बताया कि कसमुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति ने इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस घटना में युवक का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। घटना के बाद परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए आनंद फानंद में अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गढ़वा रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की तथा जख्मी युवक से घटना की जानकारी ली। घटना के लगभग 2 घंटे बाद असदुद्दीन अंसारी ने भी थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखा। जख्मी हालत में होने के कारण पुलिस ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस मामले में पुलिस की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने की मांग पर आदिवासी मूलवासी समाज का महाजुटान आज। झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग के समर्थन में आदिवासी मूलवासी समाज का आज यानी रविवार को महाजुटान होगा। इसमें समाज की ओर से सरकार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति बनाने का दबाव बनाया जाएगा। महाजुटान की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाजुटान में विधायक लोबिन हेमरम भी शामिल होंगे। गुमला में गरीबों के लिए फ्री है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जांच, बस इस दस्तावेज की जरूरत। गुमला के सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे व डिजिटल अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, परंतु इसका निशुल्क लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो पर्ची में अगर डॉक्टर निशुल्क जांच लिखते हैं तो फ्री में डिजिटल एक्सरे व अल्ट्रासाउंड होता है। हेल्थ मैप कंपनी द्वारा सरकार से MOU लेकर डिजिटल एक्सरे व डिजिटल अल्ट्रासाउंड गुमला अस्पताल में चलाया जा रहा है। दुष्कर्म के आरोपियों को 2 सप्ताह में सजा दिलाने वाले दुमका के पुलिस पदाधिकारी हुए सम्मानित। दुमका के मुफसिल थाना अंतर्गत एक गांव में आदिवासी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिसंबर 2020 में त्वरित कार्रवाई करने तथा अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन कर कांड में संलिप्त 13 अज्ञात अभियुक्तों को 2 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण कराकर आजीवन कारावास का सजा दिलाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को SP अंबर लकड़ा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दुमका में 8 माह में 29 रेप, हर दूसरे दिन हो रही है चोरी। दुमका जिले में इस साल दुष्कर्म की घटना में काफी इजाफा हुआ है। जानकारी से अगस्त महीने में यानी कुल 8 माह में दुष्कर्म की 29 घटनाएं हुई है। पिछले साल 2021 में पूरे एक साल के दौरान दुष्कर्म की 27 घटनाएं हुई थी। इसमें पहले 2020 में 30 एवं 2019 में दुष्कर्म की 35 घटना पूरे साल में हुई थी। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदला। जाने किसे इसका लाभ मिलेगा और कैसे करना होगा आवेदन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर व बाल विवाह प्रथा का अंत करना है, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता करना है। योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसमें कक्षा 8वीं एवं 9वीं में नामांकित बालिका को 2500 रुपये, कक्षा 10वीं 11वीं में व 12वीं में दाखिल होने वाले बालिकाओं को 5000 रुपये तथा 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुफ्त अनुदान के रूप में 20000 रुपये दिए जाएंगे। दुमका के बासुकीनाथ में 3 माह से नहीं मिला राशन कार्डधारियों ने जरमुंडी थाने के पास किया प्रदर्शन। राशन कार्डधारियों का पिछले 3 माह का अनाज डकार लिए जाने के विरोध में खरबिला पंचायत के ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट कर निकला। डीलर पर कार्रवाई की मांग करते हुए जरमुंडी थाने व प्रखंड कार्यालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया गया। फेटका के डीलर राजकुमारी देवी व उसके पुत्र राजेंद्र शाह के द्वारा जून जुलाई अगस्त का राशन डकार लेने का आरोप कारधारियों ने लगाया है। आरोपी डीलर पर नियम संगत कार्रवाई करने एवं संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों का अनाज दूसरे डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। शिक्षा विभाग का आदेश, 16 सितंबर तक छात्रों को उपलब्ध कराया जाति प्रमाण पत्र। सरकारी माध्यमिक व प्लस 2 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों का
अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इसके लिए हरेक विद्यार्थी को निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। DIO ने माध्यमिक प्लस टू सहित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को जारी पत्र से निर्देश दिया है कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 16 सितंबर से स्कूल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र हस्तगत करना है। नशा करके गाड़ी चलाने वालों के ऊपर होगी कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने की खास तैयारी। राज्य में नशे में वाहन चलाने वाले के खिलाफ जांच अभियान में अब तेजी आएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने ब्रेथ अल्कोहल एनाजाइलाइजर विद कैमरा की खरीदारी की है। पुलिस मुख्यालय IG प्रोविजनल प्रभात कुमार ने 100 ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर विद कैमरा 24 जिले के SP के आवंटित करने से संबंधित आदेश दिया है। ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर विद कैमरे की कई खूबियां हैं। वाहन चलाने वाले किसी संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने पर नाम और पता पूछने के दौरान उसके सामने यंत्र को रखा जाएगा। इसे पता चल जाएगा कि व्यक्ति नशे की हालत में है या नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति को थाना ले जाकर दोबारा चेक किया जाएगा। जब मशीन से एक प्रिंट निकलेगा उसमें पुलिस को तत्काल पता चल जाएगा कि वाहन चालक कितने नशे में है। मशीन में कैमरा भी होगा, इसमें उसका फोटो भी होगा। इसका प्रयोग अभियोजन दायर करने के दौरान पुलिस साक्ष्य के रूप में प्रयोग करेगी। देवघर में PM आवास नहीं बनाने वाले 1227 लाभुकों से वसूल किए जाएंगे 27.60 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत देवघर के 1227 लोगों को 2.25 लाख रुपए के हिसाब से आवास निर्माण के लिए 27.60 करोड़ स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब तक आवास निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। अगर निगम प्रशासन ने लाभुकों की सूची से आवास योजना को रद्द करते हुए राशि रिकवरी एवं FIR करने का निर्णय लिया है। देवघर एम्स में 500 बेड के अस्पताल का काम तेज, अक्टूबर में होगा तैयार। देवघर के देवीपुर एम्स परिसर में सभी भवनों का काम तेजी से चल रहा है। 250 बेड का अस्पताल चालू होने के बाद शेष 500 बेड का अस्पताल कार्य तेजी से चल रहा है। NBCC को अक्टूबर में 500 बेड का अस्पताल का काम पूरा करना है। उस अनुसार अस्पताल में इंटरनल वर्क के साथ साथ फसाड व ग्लास वर्क किया जा रहा है। अस्पताल के अंदर फर्श व सीलिंग का वर्क हो चुका है। एम्स के प्रवेश द्वार व गार्ड रूम में बालू की वजह से सिविल वर्क में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन एम्स निदेशक के निर्देश पर काम बंद नहीं किया गया व तेजी से वर्क पूरा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल के फैसले में देरी पर CM के पास किया है ऑप्शन। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के संबंध में फैसला लेने के लिए राज्यपाल के लिए कोई समय नियत नहीं है। हालांकि राज्यपाल को उचित समय के अंदर ही इस पर अपना निर्णय दे देना चाहिए। राज्यपाल उचित समय के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रभावी पक्ष हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट इस संबंध में राज्यपाल को उचित समय निर्धारित करते हुए निर्णय देने का निर्देश दे सकता है। मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता के फैसले पर हो रहे विलंब से उपजे सवाल पर डॉक्टर सुभाष कश्यप से बातचीत में राज्यपाल अब तक इस संबंध में फैसला दे सकते हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई समय नियत नहीं है, पर राज्यपाल को इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए। डॉक्टर कश्यप ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के मंतव्य पर राज्यपाल को निर्णय लेने की बाध्यता है। विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता पर अंतिम फैसला राज्यपाल का होता है। अब खबर देश विदेश और देश के विभिन्न राज्यों से। पंजाब सरकार ने सरकारी शिक्षकों को UGC के वेतन स्केल से सैलरी देने की दी मंजूरी। पंजाब सरकार ने राज्य की यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक UGC के वेतन स्केल से सैलरी देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने संगरूर में निर्माणाधीन संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज के लिए 10-20 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। कोलकाता में ED की छापेमारी में 7 करोड़ कैश बरामद, नोट गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता में शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम
के तहत 6 परिसरों में छापेमारी की। इस दौरान 7 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया गया। खबर लिखे जाने तक नोटों की गिनती जारी थी और एजेंसी ने नोट गिनने के लिए काउंटिंग मशीनें मंगवाई है। राहुल गांधी से वीडियो में जीसस की असली गॉड है कहते दिखे फादरी, बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह तमिल पादरी जॉर्ज पोन्नैया से पूछते दिखे कि क्या जीसस भगवान का स्वरूप है। पादरी ने कथित तौर पर जवाब दिया, जीसस ही एकमात्र असली गॉड है, न कि कोई शक्ति और अन्य। बीजेपी प्रवक्ता साजाद पुनावाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राहुल गांधी का नफरत जोड़ो अभियान है। नौकरी के इंटरव्यू में साइकिल चलाने के लिए मजबूर किए गए यूपी के विकलांग को मिलेंगे 5 लाख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी डिग्री कॉलेज में चपरासी की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू के दौरान साइकिल चलाने के लिए मजबूर किए गए विकलांग उम्मीदवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, अगर विकलांग व्यक्ति को गरिमा और सम्मान से वंचित किया जाता है तो मानव अस्तित्व का क्या मूल्य है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, 7 वर्षों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें पायदान से 46वें स्थान पर पहुंचा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित सेंटर स्टेट साइंस कॉन्वेकल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए कहा, आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है जबकि 2015 में 81वें पायदान पर था। उन्होंने कहा, समाधान विकास व इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। नया भारत, नया जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी भी खाकी निक्कर में लटकी है बीजेपी। राहुल गांधी की 41,000 टी शर्ट पर भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत 41,000 बताने पर कहा कि एक दल देश को एकजुट कर रहा है और बांटने वाला दल बीजेपी अभी टी शर्ट और खाकी निक्कर में लटका है। उन्होंने कहा, ऐसे तो तरस आता है कन्याकुमारी कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा को जब आप केंद्र के पास एक टी शर्ट है। छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों का हुआ गठन, कुल जिलों की संख्या हुई 33। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राज्य के 32वें और 33वें जिलों के रूप में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति के गठन की मंजूरी दी। एक अधिकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा से अलग होकर शक्ति जबकि कोरिया से अलग होकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बना है। सीएम बघेल ने चिरमिरी के 100 बेड वाले अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की है। गुजरात एटीएस और डीआरआई ने कोलकाता पोर्ट के पास से 198 करोड़ की हीरोइन जब्त की। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते और राजस्व सूचना निदेशालय की एक संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के पास एक कंटेनर से 197.82 करोड़ मूल्य की 39.565 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। बकौल अधिकारी कंटेनर 6-7 महीने से पड़ा हुआ था और उसमें 36 गियर बॉक्स में से 12 में से 72 पैकेट हीरोइन रखी हुई थी।